चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स पढ़ा हो, या फिर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में नेगोशिएबल के साथ इंस्ट्रूमेंट वर्ड पढ़ा हो, या फिर आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ा हो या ट्रांसफर डीड पढ़ा हो अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बेटा डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड ये तीन टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमको हमारी सीएस की जर्नी पे हर लेवल पे पढ़ने पड़ते हैं। फिर चाहे वो हमारा सीएस प्रोफेशनल सबसे टॉप मोस्ट लेवल हो जहाँ पर हमें ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है, वहीं अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो हमें इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर एंड कंपनी लॉ के अंदर इन टर्म्स की क्लैरिटी मिलती है। वहीं सीसीट लेवल पे भी हमें ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है बार बार रिपीट होती हैं हमारे हर चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर हमें इन डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन चाहिए कि डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट एंड डीड होता क्या है एंड इन तीनों में क्या डिफरेंस है। एंड आई मस्ट टेल यू कि इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है वो अपना यूट्यूब पे अपलोड कर दूं। ये बेटा 45 मिनट्स की वीडियो होने वाली है एंड इसके अंदर आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है एंड डीड क्या होता है एंड इन तीनों में ही क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये तीनों कैसे एक दूसरे से सिमिलर हैं और ये तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं सिमिलर होते हुए भी। तो वॉच दिस वीडियो एंड एंजॉय एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रियल इंटरप्रिटेशन। अब वो जमाने गए जब आप कह रहे हो कागज पे कुछ लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है, वो एग्जी लेवल तक नॉलेज आपके लिए ठीक है। यहां समझो किसी भी सब्सटेंस पे कुछ भी लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट है, किसी भी सब्सटेंस पे कुछ भी लिखा हुआ है। फिर चाहे पेड़ पे अमित लव्स समीक्षा क्यों ना लिखा हो, राइट, पेड़ पे वो गाड़ के दिल होता है ना, पेड़ के तने में ट्रंक में वो खोद के चाकू से लिख देते हैं ना, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। जब आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, लिखा हुआ है मुंबई से पुणे 178 किलोमीटर, वो जो लिखा हुआ आता है बीच बीच में स्टोन्स पे, जो किलोमीटर माइल्स आते हैं, माइलस्टोन्स आते हैं, वो भी क्या है, वो भी ड्राफ्टिंग है, मतलब वो भी डॉक्यूमेंट है। जिस पे कुछ लिखा, पत्थर पे कुछ लिखा सर, वो भी डॉक्यूमेंट है, यस, और उस पर वो लिखना भी ड्राफ्टिंग है। तो सर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो हमने बचपन में पढ़ी थी वो लिमिटेड वाली डेफिनेशन, वो वहां तक ठीक थी। अब देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, ये वाली डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इंडियन एविडेंस एक्ट में भी यही सेम डेफिनेशन दी गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसमें भी डॉक्यूमेंट की यही डेफिनेशन दी गई है। कहता है डॉक्यूमेंट होता क्या, सुनिए, एनी मैटर, कुछ भी मैटर, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, कुछ भी, फिर चाहे मुंबई से पुणे कितने किलोमीटर दूर है, ये भी तो कोई मैटर है जो बताया हुआ है कि हाँ जी 178 किलोमीटर है, फिर उसके बाद 177 किलोमीटर है, 176 किलोमीटर है। कहता है कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस या डिस्क्राइब्ड है अपॉन एनी सब्सटेंस, इसको पकड़ के रखो, एनी सब्सटेंस को। अब वो जमाना गया पेपर वाला, एनीथिंग रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर, भाई अब यहां जरूरी नहीं है कागज। कहता है किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी सब्सटेंस पे कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी एक्सप्रेस्ड है, कुछ भी डिस्क्राइब्ड है, किसी भी सब्सटेंस पे, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स और फिगर्स और मार्क्स, कुछ भी लिखा है, चाहे कोई लेटर लिखा है एबीसीडी, चाहे कोई फिगर बनी हुई है, चाहे कोई मार्क्स है, न्यूमेरिकल्स है, और बाय मोर देन वन ऑफ दीज मींस, बाय मोर देन वन ऑफ दीज मींस, जब आप जाते हो, लिखा होता है पुणे 178 किलोमीटर, पुणे 178 किलोमीटर, लोनावला 47 किलोमीटर, जब ऐसा लिखा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोनावला 47, लोनावला लेटर्स आ गया, 47 फिगर्स आ गई, हाँ या ना, या मार्क्स आ गए, जो मर्जी कह लो, फिगर्स में आप मैप वगैरह भी कह सकते हो, वो भी आगे आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी सब्सटेंस पे अगर कुछ डिस्क्राइब्ड है विद द हेल्प ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, तो फिर कहता है वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए, इंटेंडेड टू बी यूज्ड, उसकी इंटेंशन है टू बी यूज्ड, और विच मे बी यूज्ड, इंटेंशन नहीं है फिर भी वो यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही तो है कि यहां से इतनी दूर रह गया, अब हमें इतने दूर और जाना है, तो क्या वो अपने आप में एक रिकॉर्ड नहीं है कि हाँ जी 178 किलोमीटर, 177, 176, 175, तो ये क्या अपने आप में रिकॉर्डिंग है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ मैटर है कि ये एक रिकॉर्ड है कि यहां से इतनी देर में हम पहुंच जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हमसे कोई पूछे
डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो एनीथिंग रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर वो ठीक है, कागज पे भी कुछ लिखना डॉक्यूमेंट है वो गलत नहीं है, लेकिन अब उससे बहुत ज्यादा इनहेंस्ड मीनिंग आपको पढ़ना है। सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर क्या दिया गया है, कहते हैं सर एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, मेरे साथ साथ बोलो, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन अपॉन व्हाट, अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द मींस ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स और मोर देन वन मोर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इंटेंडेड टू यूज और विच मे बी यूज फॉर द मैटर ऑफ रिकॉर्डिंग या फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। तो कहने का मतलब ये जिसको लिखा ही इस वजह से गया है, इस इंटेंशन से गया है कि ये रिकॉर्ड बन जाए, ये एक एविडेंस बन जाए, रिकॉर्ड बन जाए, एक प्रूफ बन जाए, या इस इंटेंशन से नहीं भी लिखा हुआ तो भी इसको एविडेंस या प्रूफ या रिकॉर्ड की तरह यूज किया जा सकता है, तो वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। राइट बच्चे, मेरे साथ साथ बोलिए डेफिनेशन याद हुई, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन व्हाट, अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द वे ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स या इन सब का कॉम्बिनेशन विच इज इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज एज अ पर्पस या यू कैन से इट मे बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर। क्लियर है बच्चे ये बात। अब यहां पर कहता है सर इंडियन एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट क्या होता है, सुनिए, कहते हैं सर जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी सेक्शन 3 में यही वाली डेफिनेशन दी गई है जो सेक्शन 3 क्लॉज 18 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ एक केस हुआ था आपको याद रखना है, धर्मवीर वर्सेस सीबीआई 11 मार्च 2008 को इसकी जजमेंट आई थी। आपको पता होना चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो है इसका जो सेक्शन 65B है ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात करता है, जो 65B है ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल एज एविडेंस की बात करता है कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी एविडेंस माना जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, जो पेन ड्राइव हम आपको दे रहे हैं जिसमें सारा डाटा है, इसके अलावा जो हार्ड डिस्क हम आपको दे रहे हैं जिसमें सारा का सारा डाटा है, वो भी अपने आप में क्या माना जाएगा, वो भी कहता है डॉक्यूमेंट माना जाएगा। हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर इज अ डॉक्यूमेंट, हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर इज अ डॉक्यूमेंट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सुनिए, कोई टीचर है संयोग व्यास करके, आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको दिख जाएगा, इस बंदे ने क्या किया 2014 और 15 में या 15 और 16 में इन्होंने क्या किया, एक बच्चे को हायर किया, मेरी क्लास में एडमिशन दिलाया और 1.5 साल तक मैंने जो जो पढ़ाया उसने बच्चे ने सब पढ़ा। वो बच्चा रिकॉर्डर लेके आता था, उसने रिकॉर्ड किया, मेरी बुक्स मार्केट में भारत पब्लिकेशंस के साथ आती थी, पहले लेक्सिस के साथ आती थी, वो सारी बुक्स उसने क्या किया पीपीटी बनवाई किसी से, किसी को बिठा दिया बेटा टाइप कर, मैं जो पढ़ाता था वो सुना, अपने घर में कैमरा लगाया और जो लेक्चर्स में 11,000 रुपए के देता रहा 1500-1500 रुपए में सबको बेच दिए, मेरे चार्ट्स भी आ गए उसके पास, मेरे टीचिंग स्टाइल भी आ गया एंड अल्टीमेटली उसने मुझे डिसीव करना स्टार्ट कर दिया। ये बात मुझे पता चली 2017 में, जब 2017 में मुझे पता चली तो क्योंकि बच्चे कुछ बच्चे कहते थे सर हमने लेक्चर उनके लिए बुक आपकी है बिल्कुल सेम है, तो अल्टीमेटली जब मुझे पता चला तो मैंने उस बंदे को बुलाया और मैंने उसको बोला भाई तूने ये गलत काम किया है, उसने एडमिट भी किया, मुझे अंडरटेकिंग भी लिख के दी कि मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, और उसने मुझे कहा सर मैंने आपकी चीटिंग से आज तक 30 लाख रुपए 30 लाख रुपीज कमाए हैं, आज तक आपकी चीटिंग से मैंने 30 लाख रुपीज कमाए हैं और वो 30 लाख रुपए में से मैं अगर आपकी कोई फ्रेंचाइज होती तो आपका कितना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन होता। मैंने कहा मेरा 50% रेशियो होता है शेयरिंग। कहता ठीक है मैं आपको 50% देने को तैयार हूँ 15 लाख रुपए, आप प्लीज मेरे पे कोई लीगल एक्शन मत लीजिए सर, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से नाम बनाया है, थूथू हो जाएगी मार्केट के अंदर, राइट, मुझे डिफेम मत कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो उस बंदे ने मुझे अगले दिन मिलके 7.5-7.5 लाख रुपए के 2 चेक दिए। उसके बाद उसने मुझसे टाइम बाय किया कि सर ये चेक मत डालना, मेरी वाइफ को मैं नहीं ज्यादा पता चले, मैं आपसे कैश दे दूंगा। करते करते पता चला कि उस बंदे ने वकील ढूंढा और मेरे पे केस कर दिया कि मैंने ही उसे गन पॉइंट पे रख के जबरदस्ती चेक लिए। अब सुनेगा ध्यान से, 1.5 महीने बाद उसने मेरे को नोटिस भेजा, तब तक मैंने चेक नहीं डाले थे, फिर मैंने चेक डाल दिया, डिसऑनर हो गए, 138 का केस चल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, और कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का भी मैंने कॉपीराइट एक्ट 1957 में केस किया हुआ है। मेरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, मैंने एविडेंसेस दिखाए कि माय लॉर्ड जब ये बंदा मेरे ऑफिस में आया था तो ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा है, हम लोग 3 घंटे साथ बैठे, वहीं बैठे कहीं हिले भी नहीं, मैंने कोई गन पॉइंट वगैरह नहीं किया, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। इसके बाद ये बंदा कहता है कि मैंने गन पॉइंट पर रखा, वहीं से फिर हम हल्दीराम गए थे, हल्दीराम में मैंने उसे खाना वाना भी खिलाया था, हल्दीराम की सीसीटीवी की फुटेज भी मैंने ली। नेक्स्ट डे जब हम मिले तो उसने मुझे चेक दिया अपनी मर्जी से, जिस रेस्टोरेंट में उसकी भी फुटेज है।
इसके बाद हम 15 दिन बाद फिर से मिले, जब उसने कहा था सर मैं आपको कैश दूंगा पर दिया नहीं, उसकी भी फुटेज है, ये सारी की सारी जो मेरे पास ऑडियो विजुअल जो वो मुझे फोन करता था उसकी रिकॉर्डिंग है, कि सारी की सारी चीजें एज एन एविडेंस जब मैं कोर्ट में डालूंगा तो क्या मैं कैसे डालूंगा भाई, कोई पेनड्राइव दूंगा, कोई हार्ड डिस्क दूंगा, कुछ तो दूंगा। यस, मैंने 3 हार्ड डिस्क जो है वो कोर्ट में सबमिट कर रखी है, 1 138 के केस में और 2 इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट के केस में। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट में 2 क्यों, क्योंकि मैंने कंपनी लॉ और इकोनॉमिक लॉ का अलग केस किया हुआ है और जनरल लॉस लेबर लॉस एंड सिक्योरिटी लॉ का अलग केस किया हुआ है, तो वहां पर 2 एविडेंस लगा रखे हैं। इसके अलावा एक एविडेंस की तरह मैंने 138 में अपनी हार्ड डिस्क दे रखी है, तो 3 हार्ड डिस्क जो मैंने दे रखी है क्या वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं? यस डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जैसे मैंने आपको अपने फैक्ट्स बताए सेम इसी तरीके से धर्मवीर वर्सेस सीबीआई के फैक्ट्स हैं। 11 मार्च 2008 को बोला गया था कि जो भी बंदे के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है वो कोर्ट में कैसे सबमिट करेगा, वो कोर्ट में कैसे सबमिट करेगा, कोर्ट में भाई वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को पेन ड्राइव के थ्रू या अपना हार्ड डिस्क के थ्रू ही तो करेगा, तो वो जो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव है वो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट माने जाएंगे एज पर सेक्शन 3 रेडविस सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो केस का नाम आपने याद रखना है धर्मवीर वर्सेस सीबीआई। सर यहां तक हमें बात समझ आ गई, ये भी समझ आ गया कि जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या मीनिंग होता है, ये भी समझ आ गया कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या होता है। आई होप आपको अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा। जनरल क्लॉजेस एक्ट में क्या है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय द वे ऑफ लेटर फिगर और मार्क्स राइट विच इज इंटेंडेड, जिसका मेन पर्पस क्या है, या इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिसका मेन पर्पस था रिकॉर्डिंग ऑफ मैटर या मेन पर्पस नहीं था फिर भी इसको मैटर रिकॉर्ड करने की तरह एज एन एविडेंस यूज किया जा सकता है। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 3 जो है उसमें यही सेम मीनिंग है, एंड धर्मवीर वर्सेस सीबीआई सेक्शन 3 रेडविस 65B जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है, जो हार्ड डिस्क वगैरह है, पेन ड्राइव है, जिसके अंदर आप कोर्ट में अपने फेवर में जो प्रूफ और एविडेंसेस दे रहे हो उसे भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, सामने वाली पार्टी ये बोलती है कि माय लॉर्ड ये एविडेंस नहीं है, क्योंकि एविडेंस का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, तो ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो एविडेंस कहां से होगा, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक चीजों का और एविडेंस कहां से दे। आप सोचो एविडेंस तभी होगा जब वो डॉक्यूमेंट होगा, और डॉक्यूमेंट तभी डॉक्यूमेंट है कि नहीं हार्ड डिस्क, यही वाला जो झगड़ा है चल रहा है भाई, जो भी मेरे को सीसीटीवी फुटेजेस दिखानी है, जो भी मेरे को कॉल रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, जो भी मुझे कॉल में रिकॉर्डिंग्स हैं वो दिखानी है, वो सब के सब मैं जज साहब को कैसे दिखाऊंगा, हार्ड डिस्क में तो डाल के दूंगा ना, किताब में डाल के तो दे नहीं सकता। तो इसका मतलब जो हार्ड डिस्क है या इसके अलावा जो आपकी अगर हम बात करते हैं पेन ड्राइव्स है या जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सबके सब इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, तो यस एज पर सेक्शन 3 रेडविस 65B वो सबके सब स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, ऑब्वियसली दोज विल बी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। डन। अब इसके बाद कहते हैं सर सेक्शन 50 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या बोला हुआ है। सेक्शन 50 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ नहीं बोला, सिंपल है, डॉक्यूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज लीगली एनफोर्सेबल, दैट्स इट, डॉक्यूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज लीगली एनफोर्सेबल। मैंने एक कागज पे लिख दिया अपने बेटे को आई लव यू, या वो पेड़ पे लिख दिया अमित लव समीक्षा, तो कहता है वैसे तो ये डॉक्यूमेंट है क्योंकि किसी भी सब्सटेंस पे कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन क्या उसकी लीगल एनफोर्सेबिलिटी है, नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको डॉक्यूमेंट नहीं मानता। रजिस्ट्रेशन एक्ट उस डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट मानता है जो लीगली एनफोर्सेबल है, आपके घर की रजिस्ट्री, आपकी मॉर्गेज डीड, लीज डीड, रेंट डीड। आपको पता है रेंट अग्रीमेंट अगर 1 साल से ज्यादा का होता है तो फिर उसे रजिस्टर कराना जरूरी हो जाता है, राइट। तो कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बोलता है डॉक्यूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज लीगली एनफोर्सेबल। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3 जनरल क्लॉजेस एक्ट वाली ही बात बोलता है, और साथ में केस का नाम धर्मवीर वर्सेस सीबीआई, जिसमें बोला गया सेक्शन 3 रेडविस 65B के जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो जो हार्ड डिस्क या स्टोरेज डिवाइसेज हैं इन फॉर कंप्यूटर रिकॉर्ड्स के लिए वो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। डन, क्लियर है। अब सुनिए आगे कहता है फॉलोइंग आर दी इंस्टेंसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉलोइंग आर दी इंस्टेंसेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इनमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। ये तो सारे के सारे इंस्टेंसेज हैं, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 10-12 चीजें दी हो, पूछे बताओ इसमें से क्या डॉक्यूमेंट है क्या नहीं है। सुनिए कहता है कुछ भी लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है, कुछ भी विद द हेल्प ऑफ, कुछ भी लिखा हुआ है राइटिंग में है वो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो डॉट ही क्यों ना हो, मैंने आपको बताया। कोई भी वर्ड्स प्रिंटेड है, कोई प्रिंटेड वर्ड्स है वो भी डॉक्यूमेंट है। अगर देखा जाए आपकी टी शर्ट पे नाइकी लिखा हुआ है, आपकी टी शर्ट पे अगर नाइकी लिखा हुआ है तो टी शर्ट भी कोई सब्सटेंस है, उसमें नाइकी लिखा हुआ है वो भी अपने आप में डॉक्यूमेंट है। लिथोग्राफ्ट, लिथोग्राफी, लिथोग्राफी का मतलब समझते हो, लिथोग्राफी की अगर हम जेन्युइन बात करें, जेन्युइन मीनिंग देखें तो स्टोन प्रिंटिंग हुआ करती थी ग्रीस में, पुराने जमाने में पत्थर पे पेंट किया जाता था,
पत्थर पे चीजें प्रिंट की जाती थी उसे लिथोग्राफी बोलते थे, उसका भी अपना मीनिंग होता था। देखो मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बेटा ये एग्जाम्पल है लिथोग्राफी का, एक पत्थर है बहुत बड़ा स्टोन है जिसके ऊपर दो फोटोज बनी हुई हैं, एक ये फोटो जिसमें एक गार्डन में रैबिट है और एक ये सेकंड फोटो जिसमें तीन रैबिट्स के साथ तीन बच्चे लड़कियां खेल रही हैं। ये जो पत्थर है स्टोन है इस पे जब पेंटिंग की जाती थी, इस पे जब प्रिंटिंग की जाती थी तो वो ग्रीस में एंशियंट और मिडिवल टाइम में की जाती थी, तो ये एक ग्रीक आर्ट है बेसिकली। तो कहता है क्या ये भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा? यस ये भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। राइट बच्चे, क्लियर है जी। इसके अलावा अगर हम वापस चलते हैं तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है सर फोटोग्राफी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। राइट, फोटो भी एक डॉक्यूमेंट है, कागज है, उस कागज पे कोई फोटो फिगर बनी हुई है, आपने अपनी फोटो का प्रिंटआउट निकाला, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ओनली सर कोई मैप है या कोई प्लान है, कोई मैप बना हुआ है, कोई प्लान बना हुआ है, क्या वो भी, वो जो डॉट 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 करके मैंने आपको बताया था वो बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान था, क्या वो भी एक डॉक्यूमेंट है? यस। देखो ना, कोई भी कागज जिस पे कुछ लिखा है या कोई भी सब्सटेंस जिस पे कुछ लिखा है, अगर वो कागज नहीं भी है इवन देन वो एक सब्सटेंस है। एक मैप का अपना मीनिंग है, वो मैप किसी जगह का होगा तो वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, तो यस वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा, फिर चाहे वो पेपर पे हो या अदर सब्सटेंस पे हो। इंक्रिप्शन ऑन स्टोन और मेटल प्लेट, स्टोन पे या मेटल प्लेट पे इंक्रिप्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिथोग्राफी ओनली। कैरिकेचर, कैरिकेचर समझते हो, कैरिकेचर, कैरिकेचर होता है बेसिकली कार्टूनिस्ट बनाना, एनिमेशन बनाना, एग्जिस्टिंग जो दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं मेरी और आपके, कार्टून बनाना, दैट इज नोन एज कैरिकेचर। एक शो आता है जिसमें दो तीन मिनट की स्टोरीज आती हैं, जिसको हम सो सॉरी बोलते हैं, जो पॉलिटिशियंस पे आती हैं, जिसमें मोदी साहब या राहुल गांधी इन सब की फोटोज वगैरह आती हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी जी, ये सब लोगों का ये जो कार्टून है इसको बोलते हैं कैरिकेचर, दिस इज नोन एज कैरिकेचर। कहता है ये भी डॉक्यूमेंट माना जाएगा। राइट बच्चे, तो कहने का मतलब हमें पूरी कहानी समझ आ गई सर कि क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट मानी जाती हैं, राइटिंग में, वर्ड्स में, प्रिंटिंग में, लिथोग्राफी में, मैप और प्लान, इसके अलावा कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ है या कैरिकेचर, ये सारी की सारी चीजें आर दी इंस्टेंसेस या एग्जांपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। राइट बच्चे, तो आई होप हमें यहाँ पर पूरी की पूरी चीज क्लियर हो गई कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। राइट जी, तो बच्चे कहता है अगर हम नटशेल में बात करें, अगर हम कंक्लूजन पे आए तो कहता है डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी पेपर भी हो सकता है या अदर मटेरियल थिंग भी हो सकती है। अब आप देख रहे हो एनी अदर सब्सटेंस हो सकता है, अदर मटेरियल थिंग हो सकती है जो कि कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो कि कोई मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए हो या कोई एविडेंस हो, कोई सबूत हो, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। वैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स के जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, जैसे कि कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आप बताओ जब एक कंपनी फॉर्म होती है उसे COI मिलता है INC 11 में ROC से, क्या वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कोई इंफॉर्मेशन देता है? यस, कंपनी इस तारीख को फॉर्म हुई है, कंपनी का ये SIN नंबर है, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं, तो ये इंफॉर्मेशन तो देता है कि कंपनी फॉर्म हो गई है। क्या वो अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है? यस, कंपनी इस दिन फॉर्म हुई है, ये उस चीज का रिकॉर्ड भी है। और क्या वो एक एविडेंस भी है? यस सर, हमने कभी बचपन में कंपनी लॉ में सुना हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, जिसके अंदर सर हम जुबली कॉटन मिल्स वर्सेज लुइस, इसके अलावा मूसा वर्सेज इब्राहिम, बमन वर्सेज सेक्युलर सोसाइटी लिमिटेड, सर ये केसेस भी हमने पढ़े हुए हैं। तो क्या हमें समझ आया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन्फॉर्मेशन भी देता है, अपने आप में वो एक रिकॉर्ड भी है कि कंपनी किस तारीख को पैदा हुई है, बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, एग्जिस्टेंस में आई है, और इसके साथ साथ ये एक एविडेंस भी है, और वो भी कंक्लूसिव एविडेंस है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इन द सेम मैनर रिपोर्ट ऑन AGM बनाते हो आप सेक्शन नंबर 121, आपको पता होगा हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को विदिन, अगर हम बात करते हैं विद इन द पेरिफेरी ऑफ सेक्शन 121, हर लिस्टेड कंपनी को ROC को MGT 15 के अंदर रिपोर्ट ऑन AGM बनानी पड़ती है, और ये रिपोर्ट ऑन AGM जो है ये अलग होती है मिनट से, और मिनट्स भी अपने आप में क्या है सर, मिनट्स में हम लिखते हैं मीटिंग हुई थी, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या क्या आइटम्स हुई, कौन चेयरपर्सन था, कितने डायरेक्टर्स आए थे, कौन प्रेजेंट था,
कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, कितने प्रॉक्सी आए थे, कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, किस रेजोल्यूशन में कितने परसेंट लोगों ने वोट किया। यहां तक कि जब हम अपना ये वाला सब्जेक्ट आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग भी पढ़ेंगे, और कॉर्पोरेट ड्राफ्टिंग जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। वहां मैं आपको मिनट्स बनाना भी सिखाऊंगा, वहां मैं आपको रिपोर्ट ऑन ईजीएम भी सिखाऊंगा, वहां पर मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सारी चीजें भी बनाना सिखाऊंगा, रेजोल्यूशन ड्राफ्टिंग भी हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हमें समझ आ गया कि डॉक्यूमेंट पेपर भी हो सकता है या पेपर के अलावा कोई और चीज भी हो सकती है, हार्ड डिस्क भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, टी शर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है उसका सेक्शन 50 बोलता है डॉक्यूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। जो डॉक्यूमेंट्स लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, पेड़ पे अमित लव्स समीक्षा लिखना लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं मानेगा। राइट बच्चे, क्लियर है? आगे देखो, कहता है सर ये फालतू का ज्ञान, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और आज की क्लास स्टार्ट होते हुए भी बताया कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करता है राइट और लाइबिलिटी वो इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट करता है वो इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता वो क्या होता है। कहता है सर ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट करता है वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट? कहता है सर या तो वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा या अदर डॉक्यूमेंट होगा। अमित वोरा क्लासेस का पैम्फलेट है आपके पास जिसमें लिखा है अमित सर ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इतनी फीस है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये समझ आ रही है ये बात? ये एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा एक चीज समझो, कोई डॉक्यूमेंट राइट और लाइबिलिटी क्रिएट करता है वो इंस्ट्रूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है वो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता तो वो खाली डॉक्यूमेंट ही है। लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट है? कहता है डिपेंड करता है क्या वो एडमिसिबल है अंडर एविडेंस एक्ट या नहीं है। अगर वो एडमिसिबल है अंडर एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, तो वो लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा, एडमिसिबल एज एविडेंस, और अगर वो एडमिसिबल नहीं है तो वो अदर डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो आई होप हमें इतनी बात समझ आई कि डॉक्यूमेंट जो है वो राइट और लाइबिलिटी को क्रिएट करता है तो वो इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी को क्रिएट नहीं करता वो सिर्फ डॉक्यूमेंट है। और वो डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है? सर वो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट एडमिसिबल भी हो सकता है अंडर एविडेंस एक्ट, नॉन एडमिसिबल भी हो सकता है। नॉन एडमिसिबल है तो वो मेयर डॉक्यूमेंट है, एडमिसिबल है तो हम उसे लीगल डॉक्यूमेंट बोलेंगे। अब देखिए बेटा, यहां तक हम लोगों ने अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि ड्राफ्टिंग क्या होती है एंड डॉक्यूमेंट क्या होता है। हालांकि ड्राफ्टिंग के बारे में हमने बहुत बेसिक अभी पढ़ा है, प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, डूज एंड डोंट्स, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर बात करता है डॉक्यूमेंट के बाद इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अच्छा इंस्ट्रूमेंट में भी आपको क्या पता है, जैसे डॉक्यूमेंट में मैंने कहा था हमें बहुत लिमिटेड पता था पहले बचपन में एग्जी लेवल पे, इंटर लेवल पे, कि सर कागज जिस पे कुछ लिखा है। अब समझ आया? नहीं जी, कागज नहीं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। उसी तरीके से अब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो हम बार बार बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो राइट और लाइबिलिटी को क्रिएट करता है, यही वर्ड हमने बार बार बोला है, क्रिएट। लेकिन कहता है सर खाली क्रिएशन नहीं होता, इट्स नॉट लाइक ओनली क्रिएशन, नए राइट्स क्रिएट नहीं कर रहा, पुराने वाले राइट्स को ट्रांसफर कर रहा है। मैं अपना घर आपको बेच रहा हूं तो भाई कोई नए राइट्स क्रिएट नहीं हो रहे, मेरे राइट्स थे पहले उस प्रॉपर्टी पे, अब आपको वो राइट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ नए राइट्स क्रिएट नहीं हो रहे, यहाँ तो पुराने राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो क्या ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा? क्या ये वाली जो सेल डीड है इंस्ट्रूमेंट नहीं होगी? होगी। मैरिज हो रही है, दो लोग मैरिज रजिस्ट्रार के सामने साइन कर रहे हैं, दोनों के नए राइट्स क्रिएट हो रहे हैं। दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, नए राइट्स क्रिएट हो रहे हैं। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूं, कोई नए राइट्स क्रिएट नहीं हो रहे, पुराने एग्जिस्टिंग राइट्स जो है वो क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं। अच्छा हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से किया हुआ है, कोई डीड पहले बनाई रखी है, हम नई डीड बना रहे हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग राइट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ना तो ट्रांसफर कर रहे हैं ना क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब जो पहले हमें पता था कि भाई डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी को क्रिएट करता है वो बड़ी नैरो डेफिनेशन है, क्रिएशन के अलावा और भी चीजें हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है इंस्ट्रूमेंट का जो मीनिंग है वो दे रखा है इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर दे रखा है। यहां बोला हुआ है एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच राइट और लाइबिलिटी इज, खाली क्रिएटेड नहीं बोला, बाय विच राइट और लाइबिलिटी इज और पर्पस टू बी क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, मॉडिफाइड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड। भाई हम क्रिएट कर रहे हैं, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट? जैसे पार्टनरशिप में चार पार्टनर्स थे, अब कोई नया पार्टनर आ गया तो हम सप्लीमेंटेड डीड बनाते हैं, एक सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड, राइट?
एक एडिशनल पार्टनरशिप डीड जिसमें हम लिखते हैं कि दिस पार्टनरशिप सप्लीमेंट्री पार्टनरशिप डीड शैल बी रेड विद द मेन डीड जो हमने इस तारीख को एग्जीक्यूट की थी। हम राइट्स को लिमिट कर रहे हैं, राइट्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। कोई एजेंट आपने अपॉइंट किया था, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई थी, अब आप उसकी अथॉरिटी बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, कोई डीड है जिससे हम एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। क्या हो सकता है ऐसा कि हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 10 सालों के लिए और हम आज उसको 2 सालों के बाद ही खत्म कर रहे हैं, और खत्म करने के लिए भी हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि हाँ यार हमने 10 साल के लिए किया था वो मेन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम टाइम से पहले ही विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज इसको एक्सटिंग्विश कर रहे हैं एंड रिकॉर्डेड। कोई भी चीज अगर रिकॉर्ड के लिए है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसको हम रिकॉर्ड के लिए बना रहे हैं, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जब मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ, बेचता हूँ, तो क्या मैं जो टाइटल डीड्स है वो भी देता हूँ और जो सेल डीड है वो भी देता हूँ? तो सेल डीड एक रिकॉर्ड है कि इस दिन ये प्रॉपर्टी मैंने आपको दी थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि इंस्ट्रूमेंट डज नॉट मीन अ डॉक्यूमेंट विच ओनली क्रिएट्स राइट और लाइबिलिटी, इट मीन्स द डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स ट्रांसफर मॉडिफाई लिमिट एक्सटेंड सस्पेंड एक्सटिंग्विश एंड रिकॉर्ड। याद हो गया यार? इसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, कहता है जी ये फालतू का ज्ञान है जो मैं आपको दे रहा हूं। बेसिकली यहां क्या कहता है, देखिए यहां कहता है सर इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो 2 तरीके की होती हैं, ये कभी आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। कहता है सर एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं। सर टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो होती हैं जो एक इंसान की डेथ के बाद एग्जीक्यूशन में आए, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो होती हैं जो आपकी डेथ के बाद एग्जीक्यूशन में आती हैं। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स वो होती हैं जो जीते जी अमंग लिविंग पर्संस एग्जीक्यूट की जाती है। तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स मेड इफेक्टिव और एग्जीक्यूशन आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टी, फॉर एग्जांपल विल वसीयत, एंड नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर मेड इफेक्टिव इमीडिएटली अमंग लिविंग पर्संस, एंड इट कैन बी यूनिलैटरल और बायलैटरल। सर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं, यूनिलैटरल और बायलैटरल, भाई जहां दोनों पार्टीज के साइन होने हैं वो बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट है, जहां दोनों पार्टीज के साइन होने हैं वो बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट है। आप बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जांपल ले लो, दोनों पार्टीज के साइन होने हैं वो बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट है। प्रॉमिसरी नोट की बात कर लो, प्रॉमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सिर्फ जो मेकर है वो साइन करता है और कोई नहीं करता। या अगर हम बात कर लें चेक की बात कर लेते हैं, चेक सिर्फ जो ड्रॉयर है वो साइन करता है, तो वो यूनिलैटरल इंस्ट्रूमेंट है। तो यूनिलैटरल इंस्ट्रूमेंट मीन जहां पे एक आदमी के साइन चाहिए, बायलैटरल मीन जहां दोनों पार्टीज के साइन चाहिए। तो हमें ये बात समझ आ गई सर कि इंस्ट्रूमेंट 2 तरीके की हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मतलब आप जिंदा हो या नहीं हो, बेसिकली जो आपके डिमाइस के बाद डेथ के बाद एग्जीक्यूट होगी वो है टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जांपल विल। जो अमंग लिविंग पर्सन एग्जीक्यूट होगी उसको हम बोलेंगे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर आ गया फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो चेक या प्रॉमिसरी नोट। चेक जो है वो बेसिकली यूनिलैटरल का एग्जांपल है, प्रॉमिसरी नोट भी यूनिलैटरल का एग्जांपल है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है। राइट बच्चे? यहां देखिए क्या कहता है, यहां भी मैंने एक और फालतू का ज्ञान दिया हुआ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये बात भी आपको इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में पढ़ाई जाती है बचपन के अंदर, बार बार बचपन निकलता है मुझसे बिकॉज एग्जी लेवल बहुत जब आप छोटे थे, वहां पर आपको पढ़ाया जाता है सेक्शन 3 में कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है विच आर लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी। सेक्शन 3 में पढ़ाया जाता है कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है जिसपे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और जिसपे नहीं लगेगी। तो जिसपे लगेगी उसमें बोला जाता है मेड एंड पेड इन इंडिया, कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट विच इज मेड एंड पेड इन इंडिया। मैंने आपको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया या मैंने आपको कोई, हमने कोई डीड बनाई है, मान लो हमने कोई डीड बनाई है, मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, आप भी इंडियन हो, प्रॉपर्टी इंडिया में है और पेमेंट भी इंडिया में हो रही है, तो मेड एंड पेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया पेड अब्रॉड, इंडिया में बनी है पेमेंट बाहर जानी है, लेकिन प्रॉपर्टी ऐसा हो सकता है कि कोई एनआरआई है उससे प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, इंडिया में प्रॉपर्टी है, तो डॉक्यूमेंट भी इंडिया में ही एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ही बन रहा है लेकिन जो पेमेंट है वो बाहर जानी है। मेड आउटसाइड इंडिया बट पेड इन इंडिया, हो सकता है कोई बाहर का एनआरआई है, वो इंडिया, वो मेरी इंडिया में प्रॉपर्टी है, वो मुझसे खरीद रहा है, वो मुझसे खरीद रहा है, तो वो वहां बना के दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अल्टीमेटली पेमेंट यहां होनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मेड एंड पेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पेड अब्रॉड, मेड अब्रॉड पेड इन इंडिया, या मेड अब्रॉड पेड अब्रॉड बट इन रिलेशन टू दी प्रॉपर्टी विच इज इन इंडिया। कोई एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को अपनी गुड़गांव वाली प्रॉपर्टी बेच रहा है, 2 एनआरआई यूके में रहते हैं, एक एनआरआई दूसरे एनआरआई को गुड़गांव वाली प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो मेड भी आउटसाइड है यूके में है,
पेड भी यूके में ही है लेकिन प्रॉपर्टी इंडिया में है, तो कहते हैं सर उस पर भी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी इंडिया की जो ट्रांसफर हो रही है तो स्टैम्प ड्यूटी तो लगेगी। तो आई होप कि ये चीजें पढ़ के पुरानी बचपन की चीजें आपको याद आ गई कि देर आर फोर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिसपे स्टैम्प ड्यूटी लगती है। कौन कौन सी? मेड एंड पेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, पेड आउटसाइड इंडिया, मेड आउटसाइड इंडिया, पेड इन इंडिया, या मेड एंड पेड बोथ आउटसाइड इंडिया लेकिन इन रिलेशन टू दी प्रॉपर्टी जो इंडिया में है। अब देखिए बेटा, अब ये बात करता है आगे कुछ केस लॉस की जो कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ये पांचों के पांचों केस लॉस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, आपके एग्जाम में आए हुए हैं पहले, अभी भी रिपीट होने के चांसेस हैं। बेसिकली आपको ना ये जो स्टेटमेंट है तीन नंबर के कमेंट में आ जाती है और फिर आपको तीन नंबर के कमेंट में आंसर तो दो लाइनों का ही है लेकिन आपको उसके साथ केस का नाम देना पड़ता है तभी आपको 3 out of 3 मिलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहले तो अगर मैं केस का नाम भूल जाऊं, मैं आपसे सिंपली पूछूं क्या विल वसीयत एक इंस्ट्रूमेंट होती है? क्या वसीयत एक इंस्ट्रूमेंट होती है? सर अगर हम बात करते हैं वसीयत की तो वसीयत जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी डेथ के बाद एग्जीक्यूट होगा। तो हम तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो विल है वो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। अभी हमने पढ़ा टेस्टामेंट्री मेड इफेक्टिव आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टी, तो यस सर ये एक टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। अभी मैंने आपको जवाब भी एग्जाम्पल में ऊपर दिया था कि यस विल इज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो क्या विल एक इंस्ट्रूमेंट होती है? यस विल एक इंस्ट्रूमेंट होती है। सर जब लेबर कोर्ट में झगड़े होते हैं, जब लेबर और एम्प्लॉयर्स के बीच में झगड़े होते हैं लेबर कोर्ट में, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स के अंदर जब बातें जाती हैं तो वहां से अवार्ड आता है जो हम लोग लेबर लॉस के अंदर पढ़ते हैं, राइट? तो जो अवार्ड आता है, जो जजमेंट आती है लेबर कोर्ट की या इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की, क्या वो भी एक इंस्ट्रूमेंट होती है? यस वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि वो भी एक सब्सटेंस है, पेपर पे बना है, उस पर कुछ लिखा हुआ है और उसमें दोनों जीतने वाले और हारने वाली पार्टी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, राइट? क्लियर है? अच्छा, प्रेसिडेंट जब कोई ऑर्डर देता है, प्रेसिडेंट जब कोई ऑर्डर देता है, प्रेसिडेंट जब कोई ऑर्डिनेंस पास करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को यूज करके अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, क्या वो ऑर्डिनेंस भी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा? यस। तो जो भी ऑर्डर प्रेसिडेंट दे रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को यूज करके, यस वो ऑर्डर है। अभी ऑब्वियसली बात है कि जो प्रेसिडेंट दे रहा है वो ऑर्डर है, तो इसको आप मान लो कि जो गवर्नर स्टेट लेवल पे दे रहा है वो भी ऑर्डर माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो ऑर्डर गिवन बाय प्रेसिडेंट बाय यूजिंग आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या ऑर्डर गिवन बाय गवर्नर बाय यूजिंग आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है जो प्रेसिडेंट कंट्री के लिए होता है वही गवर्नर स्टेट के लिए होता है। एंड गवर्नर की जब हम बात करते हैं तो उसको भी वही पार्स होती है जो पैरेलल पार्स या कोएक्सटेंसिव पार्स विद दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अगर उसका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट माना जा रहा है तो गवर्नर का ऑर्डर भी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। इसके बाद कहता है सर जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है या जो विधानसभा लॉ बनाती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कानून जो बिल पास होता है और जो लॉ बनता है, क्या वो लॉ एक इंस्ट्रूमेंट है? कहता है नहीं, वो लॉ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं, जो प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डर पास कर रहे हैं वो तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो अगर हम बात करें कमिटी ने जो बिल बनाया है और उसके बाद वो दोनों हाउसेज, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, इससे जब अप्रूव होकर लॉ बनता है तो वो लॉ इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। कहते हैं सर अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने कभी एक वर्ड सुना है ऑर्डर या डिक्री। चलो ऑर्डर आपने यहां भी बोल दिया कि भाई इंस्ट्रूमेंट होता है, ये अवार्ड भी एक ऑर्डर होता है, लेकिन डिक्री, डिक्री की जब हम बात करते हैं हमें पता है एक प्रीलिमिनरी डिक्री होती है, एक फाइनल डिक्री होती है। हालांकि ऑर्डर क्या होता है, डिक्री क्या होता है, दोनों को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आगे हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड ड्राफ्टिंग आएगी एंड सिविल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड भी ड्राफ्टिंग आएगी। तो उसके अंदर हम बहुत पूरा एक एक वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस करेंगे कि डिक्री क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। फिलहाल हमें यह पता है कि डिक्री एंड ऑर्डर ये दोनों जजमेंट का पार्ट होते हैं बेसिकली, राइट? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो डिक्री है क्या वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है? यस वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। जब ऑर्डर एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कोर्ट का ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आ रहा है, तो जो डिक्री है वो भी इंस्ट्रूमेंट होगी। तो एवरी जजमेंट इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसमें जजमेंट डेटर जो केस हार गया है एंड डिक्री होल्डर जो केस जीता है, केस जीतने वाले को डिक्री होल्डर बोलते हैं, हारने वाले को जजमेंट डेटर बोलते हैं, उन दोनों पार्टीज के राइट्स एंड लाइबिलिटीज जो है वो जज साहब ने अपनी जजमेंट में दिए होते हैं, मतलब ऑर्डर या डिक्री में दिए होते हैं, राइट? अब देखिए क्या कह रहा है। ये बात हमें समझ आ गई कि विल इंस्ट्रूमेंट होती है, सर अवार्ड भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बना रही है वो, जो एक्ट पास कर रही है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, एंड डिक्री भी इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन हमें सारे केसेस के नाम याद करने हैं, यस बिल्कुल करने हैं, टफ है लेकिन करने हैं। बिशन वर्सेज सूरजमुखी,
पुरुषोत्तम वर्सेस पोद्दार, मोहन चौधरी वर्सेस चीफ कमिश्नर, वीआईपी वीपी शुगर वर्क्स वर्सेस कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, सावित्री बाई वर्सेस राधा कृष्णा, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस नहीं है कि आपको इन सबके फैक्ट्स डिस्कस किए जाए और इन सबकी कहानियां डिस्कस की जाए, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो ऐसे वाले लेवल के केसेस जिसमें एक एक लाइन डिस्कस की जाए कि किस केस में क्या हुआ था, ये लेवल आपको फाइनल में देखने को मिलता है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर। जब आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ते हो उसके अंदर जब आप मर्जर अमलगमेशन पढ़ते हो, टेक ओवर पढ़ते हो, तो वहां पर एक एक केस लॉ को हम लोग डेढ़ डेढ़ घंटे में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा जब हम कंपनी लॉ पढ़ा करते थे तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट, या अगर हम बात करते हैं सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ली वर्सेस ली, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको हम लोग बहुत टाइम लगा के एक एक घंटा लगा के विद द हेल्प ऑफ एनिमेटेड मूवी पढ़ते थे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके सिर्फ नाम आते हैं और हम लोग कहते हैं कि बेटा, जैसे लिडने एंड विकपुल आयरन और कंपनी लिमिटेड वर्सेस बर्ड, प्रमोटर की डेफिनेशन में एक केस आता है, तो हम लोगों ने सिर्फ इसका नाम और जजमेंट पढ़ी। इन द सेम मैनर यहाँ पर इन केसेस की इतनी वेटेज नहीं है कि इसका पूरा एनालिसिस किया जाए। लेकिन हाँ, 3 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आता है किसी एक टॉपिक पे, या 5 नंबर का अगर आपको आ जाता है पूरा का पूरा, तो आपको सारे के सारे केसेस के नाम याद होने चाहिए जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस। आज हम लोग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे ऑफ द वर्ड नेम्ड डीड। इतना तो हमें अच्छी तरह याद है कि डीड में वो 5 एलिमेंट्स होते हैं, कागज पे बनती है, कुछ लिखा होता है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, गवाहों के भी साइन होते हैं और पार्टीज के भी साइन होते हैं, राइट। पार्टीज के साइन होते हैं, हम बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ पार्टीज, अटेस्टेशन बाय विटनेसेस, एंड अटेस्टेशन बाय विटनेसेस का मतलब होता है कि गवाहों के सामने हमने साइन किया, इस चीज के लिए गवाहों ने भी अपने सिग्नेचर किए हुए हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करते हैं ब्रॉडर सेंस में तो डीड का क्या मीनिंग होता है, देखो यहाँ जो लिखा है ये तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, सुनो। हाल ही में मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की, एक फ्लोर परचेज किया दिल्ली में, 2.25 CR का, 2,25,00,000 रुपए का मैंने एक फ्लोर परचेज किया। ये जो 2,25,00,000 रुपए का मैंने फ्लोर लिया, इसके अंदर मैंने क्या किया, जब हमारी डील हो रही थी, जब बातचीत हो रही थी, तो हम लोगों ने उसको बयाना दिया, डाउन पेमेंट दी, अर्नेस्ट मनी दिया, जो कहना कह लो, वो हम लोगों ने उनको 25,00,000 रुपए दिया और हम लोगों ने बोला कि बाकी जो 2 CR की पेमेंट है वो हम आपको देंगे आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद। तो 3 महीने का टाइम हमने उनसे लिया पेमेंट अरेंज करने के लिए, एज वेल एज उनकी टाइटल डीड्स को चेक करने के लिए कि रजिस्ट्री ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है, आगे से कंप्लीट चेन है, मतलब जो मेरा अभी जो सेलर है जिससे मैं ले रहा हूँ, जो प्रेजेंट ओनर है उसके पीछे कौन था ओनर, उसके पीछे कौन था, ये प्रॉपर्टी की पहली बार रजिस्ट्री कब हुई थी, हमें ना कंप्लीट चेन देखनी होती है, और साथ में आपका बैटल टाइटल है वो भी देखना होता है, तभी तो आप मुझे बैटल टाइटल कन्वे करोगे। तो वो सारे चीजों को चेक करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है, एंड पेमेंट को हमें अरेंज करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो हम लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया कि 25,00,000 रुपए आपको दे दिए हैं और 2 CR जो है वो हम आपको 3 मंथ्स के बाद देंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि दो अग्रीमेंट साइन, दो बार डॉक्यूमेंटेशन हुई होगी, एक बार जब वो 25,00,000 दिए, एक बार जब वो 2 करोड़ रुपए दिए। जब वो 25,00,000 रुपए दिए हम उसको बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल, और वो जो 2 करोड़ रुपए दिए जब हमने 3 महीने के बाद एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री जब हम पैसे दे रहे हैं उनको, तो उसको हम बोलते हैं सेल डीड। तो इसका मतलब ये कि 27 दिसंबर को हम लोगों ने क्या साइन किया, अग्रीमेंट टू सेल। 28 फरवरी को हमने पेमेंट जल्दी कर दी थी उसको, 3 महीने मांगे थे, 2 महीने में ही हो गई। तो फिर 2 महीने बाद 28 फरवरी को हम लोगों ने क्या पे ऑफ किया, 28 फरवरी को हमने जब पे ऑफ किया 2 CR, तो हम लोगों ने सेल डीड बनाई। नाउ व्हाट आई मीन टू से, जब 25,00,000 दिए तो उसको अग्रीमेंट टू सेल बोलते हैं, जब 2 करोड़ दिए उसको सेल डीड बोलते हैं। हमारा टॉपिक है डीड, मैं डीड से रिलेटेड ये कहानी समझा रहा हूँ, सुनिए। जब 25,00,000 रुपए दिए तो अग्रीमेंट टू सेल, जब हमने 2 करोड़ रुपए दिए तो सेल डीड। ऐसा क्यों है? अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा इसलिए है बिकॉज सर पहले तो आपने अग्री किया था, टाइटल तो आपका 2 करोड़ रुपए देने पे ही ट्रांसफर हुआ है, पेमेंट तो अभी हुई है, रजिस्ट्री अभी हो रही है, वो सारी बातें ठीक है, सेकेंडरी है, मेन बात समझो ध्यान से। डीड हमेशा प्रेजेंट ग्रांट के लिए होती है, फ्यूचर के लिए कभी डीड नहीं बनाई जाती। आई रिपीट, फ्यूचर के लिए कभी डीड नहीं बनाई जाती, डीड हमेशा प्रेजेंट ग्रांट के लिए बनाई जाती है, फ्यूचर के लिए हमेशा अग्रीमेंट बनता है। आर यू गेटिंग मी? आपने और मैंने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके अंदर हमने एग्जीक्यूट फ्यूचर में करना है, तो हम उसे डीड नहीं बोलेंगे, डीड नहीं बोलेंगे उसे। डीड में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है,
कि डीड नॉन टेस्टामेंट्री होती है, मतलब अमंग लिविंग पर्सन होती है और वो प्रेजेंट में एग्जीक्यूट होती है। समझ रहे हो मेरी बात? हम बोलते जरूर है लेमन लैंग्वेज में, अगर हम बात करें तो विल इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपको याद है मैंने कहा था वसीयत एक इंस्ट्रूमेंट होती है, वसीयत मेरे मरने के बाद एग्जीक्यूट होगी, वो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वसीयत डीड नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग मी? वसीयत इज नॉट अ डीड। व्हाई? बिकॉज वसीयत फ्यूचर में एग्जीक्यूट होती है, अग्रीमेंट फ्यूचर में एग्जीक्यूट होता है, डीड आपको प्रेजेंट ग्रांट देती है। ये चीज याद रखेगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहता है डीड का कोई अपना यूनिवर्सल मीनिंग नहीं है, डीड वर्ड किसी कानून में ऐसा सच डिफाइन नहीं है, हर कंट्री में डीड का अलग मीनिंग लिया जाता है। लेकिन हम सिंपल तरीके से बोले, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, मतलब लिविंग पर्सन के बीच में कोई इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हो रही है जो प्रेजेंट में ग्रांट दे रही है, अगर आपका मेरा कोई अग्रीमेंट हुआ जैसे हमने 3 महीने बाद एग्जीक्यूट करना है, तो वो डीड नहीं है। डीड हमेशा प्रेजेंट ग्रांट देता है। इस चीज को प्लीज आप अपने दिमाग में फोकस पॉइंट पे रखिएगा। राइट? देखिए, देयर इज नो स्पेसिफिक और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ डीड, दैट्स ओके। इंस्ट्रूमेंट जिसको दोनों पार्टी साइन करती हैं गवाहों के सामने, वो डीड बन जाता है। बेसिक डेफिनेशन बचपन से बढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये देखो, डीड इज अ प्रेजेंट ग्रांट, डीड इज अ प्रेजेंट ग्रांट रादर देन अ मेयर प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। ये कोई प्रॉमिस जो फ्यूचर में परफॉर्म करना है, अग्रीमेंट जो फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है, वो डीड नहीं होता। डीड वो होता है जो अभी आपको प्रेजेंट में ग्रांट दे रहा है। देखिए, विल या टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ डीड। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये तो मरने के बाद एग्जीक्यूट होगी, फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगी, और जो भी चीज फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगी उसका डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट तो हो सकता है, डीड नहीं हो सकता। याद रहेगा बच्चे, अग्रीमेंट डीड नहीं होता। यही बात मैंने बोली, अग्रीमेंट टू सेल अग्रीमेंट है, वो डीड नहीं है, बिकॉज अग्रीमेंट फ्यूचर में एग्जीक्यूट होता है, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में एग्जीक्यूट होती है, लेकिन डीड हमें प्रेजेंट में ग्रांट देता है। गिफ्ट डीड, मैंने आपको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट डीड, मैंने आपको प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, लीज डीड, मैंने प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज कर दी, मॉर्गेज डीड। मैं बोल रहा हूं कि मैं आपके पास 3 साल बाद प्रॉपर्टी मॉर्गेज करूंगा, तो वो अग्रीमेंट टू मॉर्गेज हुआ, अभी मॉर्गेज कर रहा हूं, ये मॉर्गेज डीड हुई। आई होप आपको समझ आया कि डीड जो है वो हमेशा प्रेजेंट ग्रांट देती है। राइट बच्चे? तो देखिए, डीड क्या होता है? पहली बात, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, मींस अमंग लिविंग पर्संस है, वो भी 2 or more पार्टीज होनी चाहिए जो लिविंग हो, एंड प्लस प्रेजेंट ग्रांट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, प्रेजेंट ग्रांट होना चाहिए। राइट? तो डीड क्या है? डीड एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, अमंग लिविंग पर्सन है, दो या दो से ज्यादा लिविंग पर्सन है, एंड प्लस उसमें प्रेजेंट ग्रांट है। अगर फ्यूचर ग्रांट है तो वो डीड नहीं मानी जाएगी, आप उसे अग्रीमेंट बोल दो, आप उसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, अगर कोई वसीयत है वो विल होगी, टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो मेरे मरने के बाद एग्जीक्यूट होगी, लेकिन प्रेजेंट में जीते जी दोनों पार्टीज के जो इमीडिएटली ग्रांट दिया जा रहा है वो डीड है। याद रहेगा बच्चे, मतलब फ्यूचर में कुछ देंगे वो डीड नहीं है, वो अग्रीमेंट है। राइट? अब देखिए, ये फालतू का ज्ञान आपको अच्छी तरह आता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको अच्छी तरह चीजें पता है, वही डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डीड, हर डीड इंस्ट्रूमेंट होती है, ये आपको पता है। डीड में 5 चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट में 3 चीजें होती है, तो एवरी डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट डीड नहीं होती, पता है, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको दोनों पार्टी साइन करते हैं गवाहों के सामने, वो डीड होती है। हर डीड डॉक्यूमेंट होता है, यस, डॉक्यूमेंट में 2 एलिमेंट्स होते हैं, डीड में 5 एलिमेंट्स होते हैं। हर डॉक्यूमेंट डीड नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता भाई, कागज पे कुछ लिखा हुआ है वो तो पैम्फलेट भी हो सकता है, तो वो डीड नहीं होता। हर इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट होता है, यस, हमें पता है, इंस्ट्रूमेंट में 3 एलिमेंट्स है, कागज पे कुछ लिखा हुआ है और साथ में राइट और लाइबिलिटी। हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, नहीं, सिर्फ वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइट और लाइबिलिटी क्रिएट करता है। तो सर ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो आपको पहले से पता है। अब सुनिएगा ध्यान से, कहता है सर एक बात बताओ, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक सर्विस अग्रीमेंट, सर्विस बॉन्ड साइन हो रहा है, उधर सर्विस बॉन्ड साइन हो रहा है, सुनिएगा ध्यान से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बीच में सर्विस बॉन्ड साइन हो रहा है कि आप कल से ज्वाइनिंग कर रहे हो और ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है। आप सुनिएगा ध्यान से, इसको हम सर्विस अग्रीमेंट बोले, सर्विस बॉन्ड बोले, दोनों में फर्क क्या है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा। अगर ये अगले महीने से आपकी ज्वाइनिंग है तो ये सर्विस अग्रीमेंट है, आज से कल से प्रेजेंट वे में आपकी ज्वाइनिंग है तो ये डीड हो जाएगी, मतलब बॉन्ड इज ऑल्सो अ डीड। क्या सर्विस बॉन्ड जो है वो डीड होता है? सर बिल्कुल डीड होता है, अगर वो प्रेजेंट में है तो। देखिए, इज बॉन्ड अ डीड? यस, बिकॉज इट इज रिटन, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट कुछ भी कह सकते हो आप इसको, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में, ध्यान से देखिएगा, साइन कर रहे हैं, लीगली सील्ड है, डिलीवर्ड है, यहां कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में क्या लिखूंगा मैं, अगर ये
प्रेजेंट से रिलेटेड है. इफ इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट ग्रांट देन यस इट इज अ डीड, देन यस इट इज अ डीड. अगर ये प्रेजेंट ग्रांट दे रहा है तो वो डीड माना जाएगा. और अगर वो फ्यूचर में कुछ ग्रांट दे रहा है, ठीक है जी आप 6 महीने बाद हम आपको हायर करेंगे, तो फिर वो डीड नहीं होगा, देन इट विल नॉट बी टर्म्ड एज डीड. तो क्या बॉन्ड डीड होता है? सर अगर बॉन्ड की हम बात करते हैं, बॉन्ड को दोनों पार्टी साइन करती है, बॉन्ड रिटन है, पेपर पे है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज है, दोनों पार्टी साइन कर रही है, सब कुछ ओके है. लेकिन अगर ये प्रेजेंट ग्रांट के लिए है तो ये डीड है, अगर ये फ्यूचर ग्रांट के लिए है तो फिर ये डीड ना मान के मेयर अग्रीमेंट माना जाएगा. तो यहां तक मुझे लगता है हमें सारी बात अच्छी तरह क्लियर हो गई है कि डीड की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है नहीं. डीड की हर कंट्री में अलग अलग डेफिनेशन है. लेकिन डीड है क्या? डीड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नॉन टेस्टामेंट्री है, मतलब अमंग लिविंग पर्सन है, एंड विच हैज टू बी एग्जीक्यूट इमीडिएटली. फ्यूचर में अगर एग्जीक्यूशन है या प्रॉमिस है वो डीड नहीं माना जाएगा, इट विल बी नोन एज अग्रीमेंट ओनली. होप यू लाइक द वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट.